रायबरेली के गांव में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के शक में दो कार सवार लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। पेशे से इंजीनियर ये दोनों लड़के वहां रिपेयरिंग का काम करने पहुंचे थे, जिन्हें गांव वालों ने बच्चा चोर समझ लिया और पीटने लगे। इन लड़कों में एक लड़के को एक आदमी बेरहमी से बेल्ट से पीटने लगा। मारपीट कर रहे इस आदमी के सामने इस लड़के ने उसे छोड़ने के लिए हाथ भी जोड़े, लेकिन वो लगातार पिटाई करता रहा। मारपीट के समय एक आदमी ने डंडे की मदद से इन लड़कों की गाड़ी में खूब तोड़फोड़ की, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वहीं कुछ लोग इस लड़के से हाथापाई करते रहे, जिसमें उसकी टी शर्ट भी फट गई। दूसरी ओर कुछ लोगों ने काली टी शर्ट पहने लड़के की भी जमकर पिटाई की। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। अभी इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज करके जो भी दोषी लोग हैं उनका हमारे पास साक्ष्य आया है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही पुलिस ने लोगों से बच्चा चोरी की अफवाहों को न फैलाने और बिना जानकारी के उस पर ध्यान न देने की भी अपील की। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बवंडर और ओलों के साथ हुई जबरदस्त बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। वहां केवल 6 घंटों के अंदर 9000 से ज्यादा बार बिजली कड़की, जबकि बारिश के बाद सड़कों पर पार्क की गई दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम गाड़ियां भी पानी की ताकत सह नहीं सकी। सड़कों के किनारे रखे कूड़ेदान और कारें तिनकों की तरह बहती हुई निचले इलाकों में जमा हो गई। मैड्रिड में हुई बारिश से कुछ देर पहले पास के एक इलाके में जोरदार बवंडर आया। इस बवंडर की ताकत बहुत ज्यादा थी, रही सही कसर ओलों की बारिश ने पूरी कर दी। ओलों की इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर पानी के साथ ओले बहने लगे। ये ओले लोगों के मकानों और दुकानों में कई फीट तक जमा हो गए। ничего подобного никогда। बाढ़ से भारी तबाही मचने के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। कुछ जगहों पर लोग खुद ओलों को हटाते नजर आए। दुकानों में जमी बर्फ को लोगों ने एक जगह जमा कर दिया। भारी बारिश की वजह से कई मेट्रो स्टेशनों में पानी भरने के बाद उन्हें कुछ घंटों के लिए बंद रखना पड़ा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में फेरी वालों ने बीएमसी की टीम का विरोध किया। वहां बीएमसी के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे, तभी एक फेरी वाला बीएमसी के ट्रक के आगे लेट गया और खुद पर ट्रक चढ़ाने की चेतावनी देने लगा। काफी देर यह हंगामा चलता रहा और बीएमसी के अधिकारी बेबस नजर आए। हालांकि बाद में बीएमसी को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। सोने की आसमान छू रही कीमतों का असर मुंबई के सबसे बड़े सराफा बाजार पर देखने को मिला। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहे सोने के दाम करीब 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए, जिसकी वजह से त्योहार का सीजन शुरू होने के बाद भी मुंबई के सबसे बड़े सराफा बाजार में सन्नाटा पसरा नजर आया। मैं इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े सोने के मार्केट की दुकान में मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए पूरी दुकान खाली है, किसी तरह कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार सोने की कीमत बढ़ती जा रही है और लगभग 40,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जिन दुकानों में कभी ग्राहकों की भीड़ होती थी वहां दुकानदार एक एक ग्राहक के लिए तरसते दिखे। इस समय जो बिजनेस है हमारा 20-15% चल रहा है, कोई नया खरीदारी जो है बिल्कुल नहीं हो रही है। इस दौरान वहां जो एक दो ग्राहक दिखे वो भी इस कीमत पर सोना खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जैसे अभी मेरे सिस्टर की शादी है तो अभी जैसे पहले मैं 10 तोला देता था तो अभी मेरे जो है 4 तोला ही देना पड़ेगा। सोना महंगा होने की वजह से लोग नया गहना खरीदने के बजाय पुराने गहने को ही बदलकर नया बनवा रहे हैं। महंगा है तो नया नहीं ले सकते, नया नहीं जरूरत होती है तो फिर जूना बेच के ही नया लेना पड़ता है ना। बताया गया कि सोने की कीमतों में ये बढ़ोतरी अभी जारी रह सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सोने की कीमत पर अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा असर है, जिसकी वजह से दुनिया भर के निवेशकों के बीच डर का माहौल है और वो सुरक्षित निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार गिरावट की वजह से भी सोने का इंपोर्ट महंगा हुआ है। सरकार ने ये भी सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय